सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, मैं आरती शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने अपने नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। सो गाइज, अभी मैंने कथा सुनी थी तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई और उसके बाद मैंने कर लिया चेंज, और अभी मैं फिर से चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि अभी शाम को पूजा करनी है और खाना भी बनाना है, तो अभी मैं दोबारा से चेंज करने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे कि 2-3 दिन हो गए सफ़ेदी करते हुए, तो मेरे हाथ में भी दर्द था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से कि जो एरिया मैंने सफ़ेदी किया है वो कैसा लग रहा है। सो गाइज, इधर है ना हस्बैंड कर रहे हैं पूजा और इधर बच्चे पढ़ रहे हैं तीनों। देखिए कैसी बावली बनी बैठी है मेरी छोटी बेटी। सो गाइज, इधर हस्बैंड कर रहे हैं पूजा और इधर इन्होंने पितर देवताओं की भी जला दी है जोत, ये देखिए। और ये मैंने पूरा एरिया परसों सफ़ेदी किया था, आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पूरे एरिया में सफ़ेदी कर दी है, ये देखिए इधर। और ये कपड़े भी मैंने 2-3 दिन से ना, इनकी पैंटें धुली नहीं थी, सूखी नहीं थी, तो आज इनकी पैंटें भी धोके सुखाई हैं। और इधर ये गमला इधर रख दिया है क्योंकि वो कॉर्नर है ना बहुत गंदा सा लगता था और काफ़ी सारा सामान अभी है ना बाहर फेंकने के लिए पड़ा हुआ है घर के अंदर। और अभी कूलर की भी डस्टिंग करनी है, तो अभी थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है, काम बचा हुआ है, इधर से गेट साफ करने दोनों। सो फ्रेंड, उससे पहले मैं हो जाती हूँ फटाफट तैयार, तो मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद। सो गाइस, इधर हो गई हूँ मैं रेडी और अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, तो दिखाते हैं आपकी पूजा कि मैं कैसे पूजा करती हूँ और आपको सारी वीडियो दिखाते हैं। सो गाइस, इधर मैंने आलू उबाल दिए हैं, मैं बना रही हूँ आलू के पराठे आज अपने सबके लिए। और गाइस, इधर है ना मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी फटाफट। सो गाइज, यहाँ पे कमोई लिए मैंने और उसको अच्छे से धो के और भर लिया है, और अभी थोड़े से चिन्नी के दाने रखे हैं और इधर मैं रखूंगी सिंघाड़े, ये देखिए, और इसके ऊपर रखा जाएगा दिया और इधर रखे जाएंगे पैसे। सो गाइज, मैं अभी इसका दिया बना लेती हूँ। सो गाइज, मैं यहाँ बना रही हूँ अहोई अष्टमी के लिए दिया, ये देखिए। इधर मैं मिला लेती हूँ थोड़ा सा हल्दी में पानी और अपनी अहोई पे बना देती हूँ साथिया। सो गाइज, मार्केट में आपको है ना इस तरह के कैलेंडर और फोटोएं भी मिल जाती है अहोई अष्टमी की, तो आप उनको लाके और इस तरीके से पूजा कर सकते हो। तो मैंने कैलेंडर मंगवा लिया था आज और उसको चिपका दिया था। सो मैं अभी आपने उसको कमोई को बांध देती हूँ कलावा। और इसके ऊपर रख देती हूँ दिया ऐसे करके। पीलियों को है ना उतार के रख देती हूँ क्योंकि है ना अहोई अष्टमी के दिन है ना पीलिया ओढ़ना पड़ता है, या तो आप माता रानी की चुन्नी ओढ़ ले या पीलिया ओढ़ ले, पर इसको फोल्ड ना करें, इसको ऐसे ही उतार के ऐसे ही रख दें क्योंकि अभी जब तारे निकलेंगे, क्योंकि ये व्रत हमारा जो होता है ना वो तारों की छाव का होता है, तो तारे निकलेंगे तो तब मैं इसको ओढ़ के और तारों को अर्घ दे दूँगी, जल चढ़ा दूँगी। सो गाइस, जब तक तारे निकलते हैं उससे पहले मैं अपने खाना बना लेती हूँ, तो मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे। तो गाइज, यहाँ पे मैंने जो सुबह कथा सुनी थी ना उसके जो अरग के चावल थे, तो इनसे मैं अपना व्रत अभी तारों को जल चढ़ा के
अर्घ देके तो खोल लेती हूँ, उसके बाद में व्रत। सो गाइज अभी चल के खाना तैयार कर लेते हैं। सो गाइज मैंने कर दी है यहाँ थाली तैयार और अब मैं लगा देती हूँ फटाफट कान्हा जी का भोग और उसके बाद देती हूँ बच्चों को खाने के। सो गाइज इधर मेरी बड़ी बेटी पढ़ रही है क्योंकि 10th का क्लास है तो बेचारी स्टडी कर रही है ताकि पास हो जाए। सो इधर ये पढ़ रही है, बोल रही है मम्मा मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। और मैंने कहा चलो ठीक है आप थोड़ा रुक के खाना खा लेना, तो अभी मैं फटाफट और पराठे भी बना के रख लेती हूँ। और इधर बच्चे खाना खा रहे हैं तो उनसे भी पूछ लेती हूँ और चाहिए कैसा बना है। ये मस्ती कर रहा है और मस्ती करते हुए खा रहा है। तो दादू कैसा लग रहा है, और लोगे? ठीक। सो गाइस आज बच्चे कह रहे कि हम व्रत खुलवाएंगे मम्मी आपका, तो आदित्य मुझे पानी पिला रहा है और काव्य और रितु मुझे खाना खिलाएंगे। साक्षी आजा। अरे रुक जा, इससे नहीं, कचौरी लेके आ जा अंदर से, उससे व्रत खुलवाएगा मम्मी का। कचौरी मंगा रखी तुम लोगों ने मेरे लिए। मेरे लिए कचौरियां मंगवाई हैं तो आप लोग भी खा लो। और सो गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।